फोटोफोबिया यानी रोशनी से आंखों में जो चमक है या वह स्थिति होती है जो कार चलाने वालों को कार नहीं चलाने देती रात में, पढ़ाई करने वाले बच्चों को पढ़ाई नहीं करने देती और घर में काम करने वाली महिलाओं को खाना नहीं बनाने देती। क्योंकि जब आपकी आँख में चमक होती है उसके बाद अंधेरा छाता है और आपका कंसंट्रेशन टूटता है। आज हम इसी का निदान लेकर आपके सामने आए हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे फोटोफोबिया के विषय में। फोटोफोबिया यानी वो स्थिति कि जब आपको रोशनी दिखती है तो आप उससे बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और आपकी आंखें बंद होने लगती, आंखों में चमक हो जाती है। आमतौर पर गाड़ी चलाने में, कार बाइक चलाने में, साइकिल चलाने में आपको सामने से जो चमक आती है उससे आपको दिक्कत होती है। बच्चे जब पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको बहुत चमक आने लगती है और वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आज हम आपको बताएंगे फोटोफोबिया को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं फोटोफोबिया होता क्या है। फोटोफोबिया आपके आई की सेंसिटिविटी की वो स्थिति होती है जिसमें जब आपको रोशनी आती है तो आप उसको देख नहीं पाते और आपकी आंखों में वो चमक कारण आंखें बंद होने लगती हैं। इसी स्थिति को फोटोफोबिया कहते हैं। फोटोफोबिया के सिम्टम साथियों, सिम्टम फोटोफोबिया का यही है कि जब आप ब्राइट लाइट, आपको सामने से चमकदार रोशनी दिखती है तो आप अपनी आंखें खुली नहीं रख पाते और आपको आगे का अंधकार ऐसा छा के वो चमक कारण अंधकार ऐसा छाने लगता है, उसके कुछ देर बाद तक रहता है। इसके कारणों की बात कर लें साथियों, तमाम कारण होते हैं फोटोफोबिया के, जिसमें मेन बात है एक नॉर्मल फोटोफोबिया हर किसी को हो सकता है, वो कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। लेकिन वो फोटोफोबिया जो जिसमें आप रोशनी को देख ही ना पाएं, गाड़ी ना चला पाएं, वो गंभीर स्थिति होती है। तो उसके कारण साथियों यहाँ है कि सबसे बड़ा कारण है आपकी जो कोई एब्रेजन हुआ होता है, कभी आँखों में कोई चोट आई होती है, कभी आँखों में इन्फ्लेमेशन होता है, कभी आपके जो रेटिना है उसका डिटैचमेंट हो चुका होता है, डायबिटीज़ आपको होता है, या सब तमाम ऐसे कारण हैं जो आपके आई में सेंसिटिविटी पैदा करते हैं। जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं आपके आई में सेल्स होते हैं वह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और आपको यह दिक्कत होती है। साथ में आपके ब्रेन में कभी कोई दिक्कत होती है जिससे आपके ऑप्टिक नर्व इफेक्ट हो तो वह भी एक स्थिति होती है आपके फोटोफोबिया का कारण। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे होम्योपैथी में कुछ कारगर दवाएं आपके फोटोफोबिया को कंट्रोल और ठीक करने के लिए। तो चलते हैं साथियों उस सफ़र पे। लेकिन उस सफ़र पे चलने से पहले एक बात बता दें साथियों, ये दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, क्योंकि आँख ऐसी नियामत होती है जो बार बार नहीं आती, तो कोई भी कारण हो सकता है जिससे आपको आँख में चमक हो। इसलिए ये दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे आप मत लीजिएगा। तो साथियों आपके सामने हैं कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो आपके फोटोफोबिया को कंट्रोल कर सकेंगी। एक स्थिति साथियों आती है कि जब आपकी आंखों पे लाइट पड़ती है तो आपकी आंखों में चमक महसूस होती, फोटोफोबिया होता है, और साथ में आपकी आंखों में दर्द होता है और आंखों से जलन वाला पानी आने लगता है। तो अगर यह स्थिति हो कि आपकी आंखों में जलन का पानी डिस्चार्ज हो रहा हो, जब आपको रोशनी पड़ रही हो, आपकी आंखों में रोशनी से दर्द हो रहा हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की फोटोफोबिया की बहुत कारगर दवा यूफ्रेसिया और फिसनेलिस। आप यूफ्रेसिया 30 पाव में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपकी आँखों में पड़ने वाली रोशनी के कारण आपको आँखों में जलन वाले लेक्राइमेशन यानी पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और आपकी आँखों में पेन हो रहा है, तो यूफ्रेसिया जनरली भी बहुत अच्छी दवा है, आई की बहुत सारी कंडीशंस में काम आती है। तो यह दवा फोटोफोबिया की भी उत्तम दवा है। एक स्थिति साथियों आती है कि आप किसी भी सूरत पे लाइट में नहीं रह सकते, लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर यह स्थिति है कि आप लाइट को बिल्कुल ही बर्दाश्त ना कर पा रहे हों, सनलाइट को, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार्बोनिकम।
आप कैल्केरिया कार 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। खासतौर से वो महिलाएं जो फेयर फैट एंड फ्लैबी हैं, जिनके सर से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वह इस दवा को दिन में तीन बार ले सकती है। यह दवा आपके लाइट की सेंसिटिविटी को कम करेगी और आपके फोटोफोबिया को ठीक करेगी। एक स्थिति साथी वो आती है कि आपको आंखों में रोशनी की चमक उस स्थिति में लग रही है कि जो लाइट आपकी आंखों पे आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वह आर्टिफिशियल है। तो जब आर्टिफिशियल लाइट यानी ये रॉड बल्ब और रोशनी की लाइट होती है, इससे आपकी आंखों में चमक लगे और आपकी आंखें बहुत सूख गई हों, आंखों में ड्राइनेस महसूस हो रही हो और आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो गई हों और सर में दर्द हो रहा हो, तो इन स्थितियों को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपकी आंखें सुर्ख लाल हों, आंखों में बहुत रेडनेस हो, लाली हो, आपकी आंखों में आर्टिफिशियल लाइट बहुत ज़्यादा लग रही हो, आपकी आईज ड्राई हो गई हों और आपके सर में रोशनी के कारण बहुत दर्द होता हो। तो बेलेडोना आपके दर्द को भी रिलीफ देगी और आपके फोटोफोबिया को भी ठीक करेगी। एक ऐसी स्थिति भी आती है साथियों फोटोफोबिया में कि इतना ज़्यादा आपको लाइट की सेंसिटिविटी है कि आप रात में भी आंखें नहीं खोल पाते और आंखें पूरी स्वेल होकर लाल हो गई हैं। तो अगर यह स्थिति हो कि आप रात में भी आंखें ना खोल पा रहे हों लाइट की चमक के कारण, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रसटॉक्स सीडेंड्रॉन। आप रसटॉक्स 1 mg पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह आपकी आंखों की सूजन को भी खत्म करेगी, लाली को भी खत्म करेगी जो आईलिड्स पे आ गई है, और आपकी फोटोफोबिया को भी ठीक करेगी। एक स्थिति साथी आती है कि जब आपकी आंखों में बहुत तेज रोशनी पड़ती हो तो उसके बाद आपको धुंधला दिखने लगता हो, तो अगर फोटोफोबिया की यह कंडीशन हो कि जब रोशनी आपकी आंखों में चमक पड़ रही हो उसके बाद आपको धुंधला दिखने लगे, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नैट्रम्यूरेटिकम। आप नैट्रम्यूर 1 mg पावर में तीन खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपकी आंखों की चमक को भी ख़त्म करेगी और आपकी आंखों में जो ड्रूपिंग हो रही है, रोशनी में आंखें बहुत ज़्यादा बंद हो रही हैं, इस स्थिति को भी ठीक करेगी और आपको राहत देगी और आपके ब्लड विजन को भी ख़त्म करेगी। नैट्रम्यूर के पेशेंट को नमकीन चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद होता है, थोड़ा सा गुस्सैल होता है, उसे गुस्सा ज़्यादा आता है और जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो दुबला पतला होता है। तो यह अगर सिम्टम्स है तो नैट्रम्यूर आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों कि जैसे ही आपकी आंखों की रोशनी पड़ी, आपकी आंखों पे लाइट पड़ी बहुत तेज़ और आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी आंखों में स्पार्कल्स होने लगे, जैसे पटाखे और चक्करगिन्नी दिवाली की होती है उस तरह की रोशनी आने लगी। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्क्यूरियस। आप मर्क्यूरियस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपको ठीक करेगी, आपको स्वास्थ्य लाभ देगी और आपका जो ये सितारे ऐसे आँखों के आगे रोशनी में चमकते हैं, इनको भी खत्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों फोटोफोबिया की कि जैसे ही आप रोशनी में आए आपकी आंखों से पानी बहने लगा, आंसू आने लगे। तो अगर यह स्थिति हो कि जैसे ही आप रोशनी में आते हैं आपकी आंखों से पानी आने लगता, आंसू आने लगते हैं, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कोनियम मैकुलेटम। आप कोनियम मैक 1 mg पावर की तीन खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। इससे आपके फोटोफोबिया में कमी आएगी और आपकी हमर्स ठीक होगा, साथ में जो रोशनी से आपके आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आता है वह भी रुकेगा। एक स्थिति साथियों आती है कि आपको धूप की रोशनी पड़ी, सनलाइट पड़ी और आपकी आंखों से कीचड़ पानी आने लगा। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके आंखों से कीचड़ और पानी दोनों आ रहा हो और धूप की रोशनी पड़ रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके फोटोफोबिया को ख़त्म करेगी और आंखों से जो कीचड़ आ रहा है उसको भी ख़त्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी ने अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा करा और फिर उसको फोटोफोबिया होने लगा, तो अगर यह स्थिति हो कि आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हो, पहले तो यह चीज़ ही गलत है अल्कोहल यानी दारू, लेकिन अगर आप ले रहे हो और आपकी आंखों में चमक आ रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नक्स फॉर्मिका। आप नक्स फॉर्मिका 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। अगर आपको फोटोफोबिया यानी लाइट सेंसिटिविटी की शिकायत है और आप किसी कोई मरीज
ड्रिंकर्ड है, दारू पीता है, शराब पीता है, नशा करता है और उसकी आंखों में चमक आती है। तो नक्स भूमिका उसके नशे को भी उतारेगी और उसकी आंखों में चमक को भी, आंखों में चमक नहीं, आंखों में रोशनी की चमक जो इससे फोटोफोबिया होता है उसको ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, जैसे ही आपको आंखों में रोशनी पड़ी, चमक पड़ी, आपके सर में दर्द होने लगा। तो अगर यह स्थिति हो कि जब आपकी आंखों में रोशनी पड़ती हो, चमक पड़ती हो, तो आपके सर में दर्द होता हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है ग्लोनाइन। आप ग्लोनाइन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके फोटोफोबिया को भी ठीक करेगी, यानी आंखों की चमक को भी खत्म करेगी, रोशनी जो आंखों में चमक की तरह आपको महसूस होती है उस सेंसेशन को ख़त्म करेगी और आपके सर दर्द को भी खत्म करेगी। एक स्थिति साथियों आती है फोटोफोबिया के केस में कि आपको बहुत ज़्यादा रोशनी महसूस होती है और रोशनी महसूस होने के बाद आपको आंखों से पानी बहुत आता है और दर्द होता है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि आपको रोशनी, जब आप बहुत देर गाड़ी वाड़ी ड्राइव कर लेते हो, तो फिर आप जब घर आते हो, जब एक्सरसाइज तकिए में अपने सर को बिल्कुल आप डुबो के, उसको तकिए को अपने सर पे लगा के प्रेस करते हो तो आपको आराम मिलता हो, इतनी तकलीफ हो आपको लाइट से, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपकी आंखों में लाइट से चमक आती हो, वह चमक आपको भारीपन कॉज करती हो, आपको थोड़ी थोड़ी देर पे प्यास लगती हो और आपको एंजाइटी बहुत हो, और अगर आपको ब्लड शुगर हो, तो ये अगर सिम्टम आपके मैच करें तो यह एक संभावित दवा हो सकती है आपको लाभ देने के लिए। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी ने अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा करा और फिर उसको फोटोफोबिया होने लगा। तो अगर यह स्थिति हो कि आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हो, पहले तो यह चीज़ ही गलत है, अल्कोहल यानी दारू, लेकिन अगर आप ले रहे हो और आपकी आंखों में चमक आ रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नक्स फॉर्मिका। आप नक्स फॉर्मिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको फोटोफोबिया यानी लाइट सेंसिटिविटी की शिकायत है और आप किसी कोई मरीज ड्रिंकर्ड है, दारू पीता है, शराब पीता है, नशा करता है और उसकी आंखों में चमक आती है, तो नक्स भूमिका उसके नशे को भी उतारेगी और उसकी आंखों में चमक को भी, आंखों में चमक नहीं, आंखों में रोशनी की चमक जो इससे फोटोफोबिया होता है उसको ठीक करेगी। एक स्थिति साथी वो आती है फोटोफोबिया की, जब आपको रोशनी या आँख में चमक लगती हो तो उससे आपको जो है आंखों में स्टार्स ऐसे स्पार्कल्स उसके बाद दिखते लगते हो। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको रोशनी की चमक के बाद स्पार्कल्स दिखने लगते हों, चमकदार चमक चमक के सितारे दिखते हों, और आपको शाम के वक्त तकलीफें बढ़ती हों और आपके सर में बहुत दर्द होता हो, तो होम्योपैथी में स्थितियों को ठीक करने के लिए, आपके फोटोफोबिया को ठीक करने के लिए बहुत कारगर दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस व नीम की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपके इस ब्लरीनेस को भी ख़त्म करेगी, आपका जो स्पार्कल्स हो रहा है उसको भी ख़त्म करेगी और आपके हेडेक को भी ख़त्म करेगी। फॉस्फोरस साथियों हेयर फॉल की भी बहुत अच्छी दवा है और इसका गाइडिंग सिम्टम होता है कि शाम के वक्त मरीजों की तकलीफ बढ़ती है और मरीज़ को ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद होता है। हेयर फॉल की भी फॉस्फोरस बहुत अच्छी दवा है। तो साथियों कारगर दवा आपके फोटोफोबिया की, आप इस दवा को इस्तेमाल करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके रोशनी की चमक आए, उसके बाद आपकी आंखों में भारीपन आ जाए। तो अगर आपकी आईज में हैवीनेस होती हो आपको रोशनी महसूस होने के बाद, तो उस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सल्फर। आप सल्फर व नीम की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली उस स्थिति में ले सकते हैं जब आंखों में रोशनी पड़ने पे आपको भारीपन लगता हो, खाने में आपको मीठा बहुत पसंद हो, नहाने की आपकी इच्छा ज़्यादा ना होती हो, सुबह के समय आपकी तकलीफें बढ़ती हों, तो सल्फर बहुत अच्छी दवा है आपके फोटोफोबिया के लिए, या फोटोफोबिया को ठीक करके आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है आपको तेज़ रोशनी बहुत देर आंखों पे पड़ी, फोटोफोबिया की दिक्कत हुई और उसके बाद आपके फ्रंटल हेडेक, सर के अगले हिस्से में बहुत तेज हेडेक होने लगा और आंखों से जलन वाले आंसू आने लगे। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको सर में आगे के हिस्से में दर्द हो रहा हो और आपको जलन वाले आंसू आ रहे हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है
मर्क सॉल्युबिलिस। आप मर्क सॉल 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह आपके आँखों के आंसुओं को भी ख़त्म करेगी और आपको भी स्वास्थ्य लाभ देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपके लिए होम्योपैथिक कारगर दवाएं हैं निश्चित रूप से ये फोटोफोबिया में, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, क्योंकि आँख बहुत ही एक सेंसिटिव ऑर्गेन होता है और पता नहीं किस कारण से आपको फोटोफोबिया हो रहा है, लेकिन ये प्रयास था होम्योपैथी को आपके करीब लाने का। मन में आपके कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नोटिफिकेशन पैनल में लिखा है, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समाज के लिए लाभदायक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन क्लिक करके, यूं ही अपना आशीर्वाद हमको प्रदान करते रहिएगा। आपका साथियों इस अनुष्ठान में हम लोगों के साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।